में अब देखते हैं, यहाँ पे अंकित रस्तोगी जी का सवाल है। पीएसयू बैंक बीज इन्होंने ले रखा है, 261 इनके पास हैं यूनिट्स और 83 का 83 का इनका भाव है लंबी अवधि के लिए। तो पीएसयू बैंकों पे तो आपने कहा कि भाई अभी दूर रहना चाहिए, तो फिर क्या पीएसयू बैंक बीज से भी हाथ झाड़ लिया जाए? 83 पे देखिए, पहली चीज की जब आप ये 20 ले रहे हैं ना, तो ये कभी ट्रेड के स्टैंड पॉइंट से नहीं लिया जाता है, ये सब इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से लिया जाता है, लॉन्ग टर्म रखा जाता है और गिरावट में एसआईपी की जाती है। अभी का मौका निकलने का नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी कोई खत्म थोड़ी हुई है, और बैंक और क्रेडिट के बगैर कोई इकोनॉमी चलती है क्या? और खाली शुरू के 5 बैंक 4 बैंक मिला के पूरा आपका $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी फंड कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। आपको सारे बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ मिलेगा, तो आपका बैंक बीज भी चलेगा। लेकिन बैंक बीज आप इसलिए चले निकल जाना चाहते हैं कि अभी गिर जाएगा, ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से सोच रहे हैं, आपका सोचना ही गलत है। अब आप इसको सोचें इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से, नीचे जाए तो SIP करें, ऐड करें, आराम से 3 साल 4 साल रखें। लेकिन अगर ट्रेड करना है तो राजीव जी ने चार्ट लगा दिया है, जो आज के कैंडल का लो है उसके नीचे करेक्शन इसका और होगा टुवर्ड्स 200 DM में। बाकी फैसला आप स्वयं कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड और ETF ट्रेडिंग के लिए आमतौर पर नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, वो निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें SIP वाला तरीका, अनुशासित तरीका, नियमबद्ध तरीका वो बेहतर रहता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग आपको करनी है इसमें भी, तो फिर उसके लिए आपको अपने टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और उसमें एक टूल का सुझाव तो आपके सामने शुमेश जी ने रख दिया।